फिर से हम आ चुके हैं राजपुरा खजाना में। ये देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको व्यू दिखा देते हैं चंपावत का। ये देख सकते हो शानदार व्यूज के साथ हल्का हल्का धुंध। तो साथियों आप अपना स्टफ तैयार करते हैं, अपना रेसिपी देख सकते हो राजपुरा खजाना में। देखिए हल्की सी धूप आ चुकी है और ये अपना सामान रहा जो अभी लाए हैं, और इसके बाद हमारा एस्टिमेट तैयार होगा राजमा चावल और विद चावल। देख सकते हो अभी राजमा हमारा बॉयल हो रहा है, इसमें तड़का लगाया जाएगा और उसके बाद ये देखिए हमारे पनीर वाले मोमो और वेज वाले मोमो बनाए जाएंगे। और साथियों हमारे पास बर्गर भी है, मैगी भी है, तो आप आ सकते हो राजपुरा खजाने में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो सर आपको कैसा लगा यहाँ आके? नमस्कार, पहले तो मैं आपको नमस्कार कहूँ राजी। आपका जिस लोहाघाट की वादियों में इतना अच्छा रेस्टोरेंट आपने खोला है, राजपुरा खजाना के नाम से जो खोला है आपने, बड़ा काफी सारे में आपके वहाँ से अभी हमने मोमो खाए थे, वेज मोमो खाए थे आपके वहाँ से। अधिकतर सारा वेज का ही आइटम है सर। हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने फैमिली रेस्टोरेंट का छोटा सा जो अपना शेड्यूल बनाया है, काफी तारीफ है महाराज। और जो आपने हमें अभी मोमो खिलाए थे वो भी काफ़ी टेस्टी थे। इन पहाड़ की वादियों में जो बेस्ट है वो आपका उसको चार चांद लगाता है। आप भी आए यहाँ पे हमारे लोहागढ़ से मात्र टनकपुर की तरफ 10 किलोमीटर आगे, और चंपावत से लोहागढ़ की तरफ 10 किलोमीटर आगे, यहीं पर इनका राज वर्मा खजाने के नाम से बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी टेस्ट है। ये लॉकडाउन के बाद इन्होंने अपना स्वरोजगार खुद का खुला हुआ है, इन्होंने काफ़ी जगह काम किया सुनने में आया, और अब इनका काफ़ी विख्यात है यहाँ पर इस नाम से, और काफ़ी स्वाद भी है। अपने स्वरोजगार को इन्होंने ध्यान दिया है, आगे बढ़ाया है। धन्यवाद, जय हिंद। ये हमारा राजमा हमने पलटी मार दिया, देखिए तड़का वाला, और साथ में अब हमारा बनेगा प्लेन अपना राइस। तो इसको अच्छे से वाश कर लेते हैं, उसके बाद चढ़ा देंगे गैस पे। साथियों देख सकते हो, तो ये लीजिए साथियों हमारा राइस में हमने मसाले भी डाल दिया, अब इसमें दम लगाएंगे, हल्का सा इसमें तेल भी डाल दिया हमने, और ये हमारा राजमा स्पेशल आज का जो हमने तैयार किया। तो आप आ सकते हो राजपुरा खजाना में, ये देख सकते हो, और शानदार व्यूज के खा देंगे। ये लोकेशन ये रही मानेसर से, आप आ सकते हो व्यू पॉइंट, और ये चंपावत से आओगे तो इधर ही है अपना व्यू पॉइंट में, और ये रहा अपना चंपावत शहर। हसीन वादियों में हसीन सफर शुरू होगा तो चंपावत शहर से दोस्तों। ये देख सकते हो बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है जो हमारा चंपावत शहर, देख सकते हो बहुत ही शानदार है, चारों तरफ हरियाली है। तो दोस्तों आप भी आ सकते हो अपना राजपुरा खजाना में, एक कदम स्वरोजगार की ओर चल रहे हैं। तो देख सकते हो यूट्यूब में अपना चैनल है भाई का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और स्टार्ट करते हैं पूरा दिन भर का ब्लॉग। तो हमारे चावल भी रेडी हो गया, और ये साथ में मसाला, और ये रहा अपना राजमा। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, इसको ढक्कन बंद कर देते बिल्कुल।